गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन सुधीर, तिलक एंड सुधीर, तिलक एंड सुधीर। 6 weeks passed quickly, almost before he knew it, Tilak was out of bed and on his feet again. In the evening, after his first day at school, Tilak went over to Sudhir's house. Sudhir was feeding his pets. The baby owl was perched on his shoulder. Tilak helped him. I will be going to the zoo on Sunday. I will be going to the zoo on Sunday, Tilak, he said. Would you like to come along? Perhaps my friends there might let us play with the lion cubs for a while. That could be great, said Tilak, his eyes sparkling at the thought. How strange that Sudhir, mother and you should have been friends. And now Sudhir and I are pals, Tilak said to his mother when she came to his room to say good night. His mother smiled. You must thank you poor broken leg for this friendship, said she. I know, grinned Tilak. But I hope I don't have to break a leg each time to make a good friend. तो इस तरह से सुधीर आया, अपने साथ जो है मंकी भी लाया उसके घर। एक दिन शाम को आया और मंकी भी लाया। उसकी माँ जो है को जीवन को झटका लगा, एक शॉक लगा जब मंकी ने का एक जो है पर्दे के पीछे से अपना सर निकाला, तो वो जो है चौंक गई और बच्चे हंसने लगे। बच्चे मतलब दोनों, तिलक एंड सुधीर। 6 सप्ताह बीत गए और ऑलमोस्ट बिफोर ही न्यूट, इससे पहले को जान पाता यही सब चीज़ें, मतलब एक दूसरे के बीच जो है ये पूरा कम्युनिकेशन या विचारों का आदान प्रदान होता कि 6 सप्ताह इसी प्रकार से आते जाते गुजर गए और तिलक जो है बेड से बाहर हो गया और अपने पैरों पर पुनः खड़ा हो गया। तिलक को जो है बिस्तर से मुक्ति मिल गई, बिस्तर से, और वो अपने पैरों पर पुनः हो गया पहले जैसे। इन द इवनिंग, शाम में, आफ्टर हिज फर्स्ट डे एट स्कूल, अपने स्कूल के पहले दिन, तिलक वेंट टू, मैंने पहले दिन स्कूल गया। उसके बाद शाम को क्या है, तिलक ने सुधीर के घर गया। तिलक भी पहली बार सुधीर के घर गया। सुधीर वाज फीडिंग हिज पेट्स, सुधीर अपने जानवरों को खिला रहा था, पालतू जानवरों को जो पालतू थे उनके, उसको क्या कर रहा था, फीडिंग हिज पेट्स। द बेबी आउल, उल्लू का जो बच्चा था, पर्ट ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर बैठा था, बैलेंस करके। तिलक ने उसकी मदद की बैठाने में। आई विल बी गोइंग टू ऑन संडे, तिलक ही सेड, मैं रविवार को जू जाऊंगा, चिड़ियाघर जाऊंगा, तिलक उसने कहा। उसने कहा कि आई विल बी गोइंग टू द जू ऑन संडे, मैं संडे को जो है चिड़ियाघर जाऊंगा, तिलक उसने कहा। वुड यू लाइक टू कम अलोंग, क्या तुम भी आना पसंद करोगे। पर है शायद माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, देयर माइट लेट अस प्ले, शायद खेलते होंगे, अवश्य क्या करेंगे, शायद वो खेलते होंगे इससे विद द लायन कब्स फॉर वाई, जबकि शायद मेरे वहाँ जो मित्र हैं वो लायन के कब के साथ, बच्चों के साथ खेलते होंगे।
अवश्य ही माइट लेटस्ट प्ले खेलते होंगे, दैट वुड बी ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। दैट क्या, वह बहुत ही अच्छा है, सेठ तिलक तिलक ने कहा। उसकी आंखें क्या है, चमक उठी, उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। तिलक ही जाई स्पार्कलिंग एट द थॉट, इस विचार से उसकी आंखें चमक उठी। हाउ स्ट्रेंज दैट सुधीर्स मदर एंड यू शुड हैव बीन फ्रेंड्स, कितनी विचित्र बात है कि सुधीर की माँ और तुम क्या है, यू शुड हैव बीन फ्रेंड, मित्र होने चाहिए। सुधीर की माँ और तुम क्या है, मित्र होने चाहिए, माने मित्र थे। और इधर मैं क्या हूँ, अब सुधीर एंड आई आर पास, अब सुधीर और मैं क्या हूँ, मित्र हूँ। उसने कहा कितनी विचित्र बात है कि माता जी आप और ये सुधीर क्या हैं, सुधीर की माँ और आप जो है मित्र हैं, इधर हम मैं और सुधीर जो है मित्र हैं। तिलक सेड टू हिज मदर, तिलक ने अपनी माँ से कहा कब, व्हेन सी कम टू हिज रूम, जब वह उसके रूम में आई तो से गुड नाइट, उसे गुड नाइट कहने, शुभ रात्रि कहने, उसके जो कमरे में आई, रात था, सोने के समय था। उसकी माँ मुस्कुराई, हिज मदर स्माइल, उसकी माँ मुस्कुराई, यू मस्ट थैंक योर पुअर ब्रोकन लेग फॉर दिस फ्रेंडशिप, इस फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें अपने टूटे हुए पैर का धन्यवाद देना करना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि टूटे पैर के कारण ये मित्रता हुई है। जो मित्रता हुई है, पैर न टूटता तो इतने अच्छा मित्र तुम्हें नहीं मिलता। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, ग्रैंड तिलक, तिलक मुस्कुराया, तिलक स्माइल किया, मुस्कुराते हुए कहा मैं जानता हूँ, बट आई होप, लेकिन मुझे आशा है कि आई डोंट हैव टू ब्रेक ए लेग ईच टाइम टू मेक ए गुड फ्रेंड्स, लेकिन मुझे आशा है कि मुझे हर बार एक नया मित्र बनाने के लिए अपने पैर को नहीं तोड़ना पड़ेगा। यानी कि जितनी बार मित्र बनाए उतनी बार पैर तोड़े, ये मुझे आशा है कि अब ऐसा नहीं करना होगा। थैंक यू, एंड ऑफ द लेसन।